हेलो एवरीवन दिस इज दिस मलिक एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे तो बच्चों आज हम हमारे चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और कंप्यूट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हम सेकंड एग्जांपल करने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है तो so बच्चों स्टेटमेंट है कि सॉल्व इट एंड फाइंड इनवर्स तो बच्चों यहाँ पर हमें इक्वेशन टाइप दी हुई है एक फॉर्म तीन इक्वेशन हमें दी हुई है इसको हम इक्वेशन ही कहेंगे क्योंकि ये कंबाइन है इक्वेशन जैसी है ओके अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने इसको सोल्व करना है तो यहाँ पर सोल्व करने का मतलब क्या है बच्चों कि हमने एक्स वाई और जी की जिसको हम जेड भी बोलते हैं एक्स वाई और Z की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में बच्चों हमने A इनवर्स जो कि हमने पिछली वीडियो में किया था और आपको फाइंड करना सिखाया था उस मेथड से फाइंड भी करना है तो सबसे पहले बच्चों इसको जो ये हमें कंडीशन गिवन है इसको हम ब्रेक करेंगे इसको बच्चों हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं तो देखें बच्चों इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर मैं आपको समझ... पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इस कंडीशन को देखें वन वन 1, 2, 3, 1, 3, 4 and x, y, z, this is equal to seven, sixteen, twenty-two. तो बच्चों हमने इस कंडीशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जब बच्चों हम एक्स वाई जेड और इस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन बन जाएगी ठीक है बच्चों और ये मैंने आपको पीछे सिखाया हुआ है कि कैसे दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बच्चों ये जो हमारी मैट्रिक्स बनी है इसको हम लिख सकते हैं ए के साथ में बच्चों ये एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों एक्स ओके okay? जो कि एक के साथ मल्टीप्लाई में है और बच्चों ये राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स बनी है जो कि हमारी थ्री इंटू वन है मतलब कि इसमें थ्री रो है और वन कॉलम है ठीक है बच्चों तो इसको हम लिखेंगे बी इसको हम नाम देंगे बी का ठीक है अब बच्चों हमने इस कंडीशन से पहले स्टार्ट करना है और स्टार्ट करके हमने एक्स वाई और Z की वैल्यू फाइंड करनी है तो बच्चों वो हम कैसे करेंगे देखें इस बच्चों इस कंडीशन को हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और हमने किस फॉर्म को बनाना है मतलब हमारी मंजिल क्या है कि A इनवर्स B हमने इस कंडीशन को बनाना है जब हम A को ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में तो बच्चों ये ए इनवर्स बन जाएगा तो इसलिए बच्चों जब हमारा ए इनवर्स हमें चल गया पता और ए इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और बी की वैल्यू हमारे पास है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी तो बच्चों इस कंडीशन तक पहुंचने के लिए हमें ए इनवर्स पता होना जरूरी है लेकिन हमारे पास यहाँ पर ए इनवर्स नहीं है तो बच्चों लेकिन हमें यहाँ पर ए चल गया पता कि ए हमारा क्या है ये वाला मैट्रिक्स है तो बच्चों जो हमने पीछे मैथड अप्लाई किया था और एक एग्ज़ाम्पल भी की थी तो उस मैथड की हेल्प से यहाँ पर हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं तो तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखना है या लिखेंगे नाउ नाव ए दिस इज़ इक्वल टू आई ए हमने इस कंडीशन से शुरू करना है बच्चों और ये हम यहाँ पर ए की वैल्यू को यहाँ पर लिख लेंगे क्या है वन 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 टू थ्री वन थ्री फोर और बच्चों ये हमारे थ्री इंटू थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसलिए हम यहाँ पर आई की वैल्यू को भी थ्री इंटू थ्री ऑर्डर में लिख लेंगे वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन तो बच्चों यहाँ पर अब इसको मैं इतना डिटेल में सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पीछे बताया हुआ है कि इसको हम कैसे फाइंड करेंगे तो उसका जो लिंक है जो पीछे हमने एग्जाम्पल करी है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो अब बच्चों हमने आगे क्या करना है देखें इसको जब हम बच्चों सोल्व करेंगे तो लास्ट में जाके हमारा कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा मतलब कि वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो एंड ज़ीरो ज़ीरो वन और बच्चों मान लो यहां पर हमारा एक मैट्रिक्स खुद ब खुद बन जाएगा जैसे कि हमने पीछे मेथड अप्लाई किया था पिछले क्वेश्चन में मान लो कि बच्चों यह हमारा बन गया टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन ये नहीं बनेगा बस मानना है आपको ठीक है मैंने मान लिया मैंने इसको सोल्व नहीं किया ठीक है तो बच्चों ये हमारा इनवर्स हो गया कि अभी कंडीशन कौन सी बन गई बच्चों ये कंडीशन बन गई आई दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स ए रहा हमारा ए ये रहा और ये जो फॉर्म है बच्चों ये मैट्रिक्स है ये ए इनवर्स है अब बच्चों हमने क्या करना है कि ए इनवर्स की वैल्यू हमें चलगी पता कि ये है अब इस कंडीशन में जो ये है एक्स दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स बी ठीक है अब हमने क्या करना है कि ए इनवर्स की वैल्यू यहां पर पुट करनी है तो बच्चों सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू को यहां पर लिख लेते हैं एक्स वाई जेड ओके और बच्चों उसके बाद हम इस ए इनवर्स की वैल्यू को यहाँ लिख लेंगे टू थ्री फोर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन और बच्चों हम बी की वैल्यू को भी यहाँ पर लिख लेंगे सेवन सिक्सटीन ट्वेंटी टू जो बी की हमारी वैल्यू थी ये था ना बी इसको भी बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे सेवन सिक्सटीन ट्वेंटी टू ठीक है बच्चों तो बच्चों जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी एक मैट्रिक्स बन जाएगी मैट्रिक्स किस टाइप की बनेगी मान लो बच्चों कि इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारी कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स बन जाएगी जो कि थ्री इंटू वन ऑर्डर की होगी मान लो हमारे पास आ गए सेवनटीन एटीन एंड ट्वेंटी हमारे पास इस टाइप की मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गई तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा कि एक्स हमारा कितना है सेवनटीन वाई हमारा कितना है एटीन एंड जेड हमारा कितना है ट्वेंटी ठीक है बच्चों तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है बच्चों ये आप खुद करना होगा क्योंकि तो ये मल्टीप्लाई करना मैंने आपको पीछे वीडियो में सिखाया हुआ है तो बच्चों बस बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में आ जाता है तो इसको आप ट्राई कर लेना बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर देना थैंक यू सो मच बाय मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में प्लीज सब्सक्राइब चैनल थैंक यू